तो भाई देखो ये इस तरह की बसें होती हैं यहाँ की, क्या शानदार बसें बनाती हैं। तो ये है बस सामने। तो दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये है ट्रेन जो कि यहाँ सऊदी अरब में भी ट्रेन चलती है। भाई गंदी वाली लूट मचा रखी है, गंदी वाली मतलब 25 रियाल का ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल दिन, और स्पेशल दिन क्यों है सोचो आप, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ, मेरा सफ़र होगा मक्के के लिए। आज मैं इंशाल्लाह जाऊँगा उमरे के लिए। सुबह हो रही है और सोया नहीं हूँ मैं, नींद ही नहीं आ रही क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे खुशी है जाने की, मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलो थोड़ा सा आज आपके साथ में अपना दिन शेयर करूँगा, क्या क्या करता हूँ। 3 बजे मेरी बस है मक्के के लिए, इंशाल्लाह जाएंगे मक्का और उमरा करेंगे, और आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाऊंगा, पूरा सफ़र दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ ही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। सो अभी मैं एक पीछे मार्केट में जा रहा हूँ कुछ ख़रीदने, क्योंकि अभी तो मेरा रोज़ा है और 3 बजे बस जाएगी, तो हो सकता है कि इफ्तारी बस में ही करनी पड़े। कुछ बना के लेके जाऊँगा मैं अपने लिए। तो चलते हैं मार्केट से कुछ ख़रीद के लाते हैं। पहले मैं आ गया यहाँ पर यहाँ से ले लेता हूँ मैं नूडल्स मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है बनाने के लिए। चलते हैं मार्केट में। ये मार्केट कुछ ऐसी, और मुझे ख़रीदना है नूडल्स, क्योंकि यहाँ पे नूडल्स का ऐसा है, अगर मैं ये एक पीस सिंगल ख़रीदूँगा 2 रियाल का मिलेगा दुकान पे, और यहाँ पे 4 पीस मिलेंगे 5 रियाल में। तो आप लगा लो कितनी बचत है। बहुत बड़ी मार्केट है। फाइनली ले लिए हैं नूडल्स और चलते हैं रूम पे और बनाएंगे। मैंने अपने कपड़े भी धोकर रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 4 से 5 दिन में आऊँगा, इसलिए पहले ही मैंने कपड़े वगैरह जितने भी थे सब मैंने धो लिए और उनको सुखा लिया, और इनको अब मैं प्रेस वगैरह करके अब रख दूंगा कबर्ड में। तो ये है सऊदी अरब की मैगी, और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलो, वो वक्त की बात है आपको वहां पर मिल जाए, लेकिन अपने आप अपना 100% तैयार करके चलो। सो फाइनली आ चुका हूँ मैं बस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है बस सामने, देख सकते हैं आप। तो ये है बस जिस बस से जाना है, मुझे लगेज रखना है। ये लगेज कहाँ रखा है वैन? हाँ सो ये है बस अंदर से कुछ ऐसी, इसमें ये भाई आपका। हमारी जो बस चली है 3:30 पर चली है। तो दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये है ट्रेन जो कि यहाँ सऊदी अरब में भी ट्रेन चलती है, ऐसा नहीं है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर लाइन ट्रेन की। अभी 4 बजे हैं और अभी है 2 घंटे इफ्तारी में, तो असर की नमाज़ पढ़ते हैं एक हाईवे पर पेट्रोल पर में, नमाज़ पढ़ के फिर आगे का सफ़र करेंगे। तो नमाज़ पढ़ ली है और मस्जिद में से खजूर और एक पानी मैंने ले लिया है, क्योंकि हो सकता है बस में इफ्तारी करनी पड़े, मैंने मैगी भी बनाई थी। और ये छोटा सा पेट्रोल पम्प जहाँ पे बस खड़ी है हमारी, ठीक है।
तो पेट्रोल अभी नहीं भरा और तो सूरज डूबने वाला है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, देख सकते हैं आप सूरज। आज जो है आज अफ्तारी की है बस में, क्योंकि टाइम हो चुका है अफ्तारी का, तो मस्जिद में से मैंने पानी और जो मैंने मैगी बनाई थी वो मेरे बैग में है, जो कि बस के नीचे वाले डोर में रखी है, तो जब बस कहीं रुकेगी होटल पर तब वहाँ से लूँगा मैं। बस की लाइटें जल चुकी है और एक लगता है रेस्टोरेंट आया है यहाँ पर, रुकेगी बस। सो अभी एक जगह बस रोकी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है और मेरे पीछे देख सकते हैं आप बस भी है, तो इसमें रखा है मेरा बैग और भाई मेरा ये रहा मेरा बैग। आ जा भाई। तो भाई देख लो ये हो गई बस खाली और ये मेरा बैग था जिसमें खाना था, लेकिन मैं नहीं खा पाया क्योंकि इफ्तारी में मैंने खजूर और पानी से इफ्तारी की थी, तो फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर बैग को। और भाई पूरी बस खाली हो गई है देख लो, तो चलते हैं बाहर। सो फाइनली ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी बजे हैं 7 और ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर एक ढाबा बोल सकते हैं आप, जैसे हमारे यहाँ पर ढाबा होता है, तो भाई ये पूरा ढाबा है, यहाँ बस वगैरह रुकी हुई है और वहाँ हमारी बस खड़ी है दूसरी साइड में और मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली, अभी मस्जिद से निकला हूँ और चाय वगैरह पीने। तो इंडिया में था जब भी व्लॉगिंग करता था रेस्टोरेंट पे बस रुकती थी तो चाय वगैरह पीता था, तो आज सऊदी अरब में भी एक ढाबे पे बस रुकी है तो यहाँ भी चाय सेम सेम क्या खाता है आपका। तो ये ले लिए भाई चाय, यहाँ की ये चाय है, पानी और एक लिप्टन चाय और थोड़ा सा एक मिल्क आता है वो डाल के देते हैं। तो ये है रेस्टोरेंट। इंडिया में क्या होता है कि ढाबे पे जब मैं जाता था चाय वगैरह पीने तो चार पाँच रुपये महंगी मिलती थी, और सऊदी अरब में ये चाय 1 रियाल की मिलती है और यहाँ ढाबे पे 3 रियाल की चाय है, मतलब 2 गुना पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं इस चाय के लिए। तो दोस्तों सीन अभी ऐसा है, दमाम से मैं चला था और हो सकता है फजर 7-8-9 बज जाएँ, क्योंकि 1500-1600 किलोमीटर दूर है वहाँ से जो डिस्टेंस है, और 15-16 घंटे ही लगते हैं। तो अभी रेस्टोरेंट में रुके थे, यहाँ पर चाय वगैरह पी मैंने और मैगी बनाई थी, आपने देखा था आते वक्त मैंने मैगी वगैरह मैं खाऊंगा जो बनाई थी, देखते हैं कैसी मैगी है, कुछ है ज़िंदा नहीं है। तो ये रही मैगी जो मैंने रूम पर बनाई थी और भाई हालत देख सकते हो इसकी, चलो खाते हैं खाना, बहुत ज़्यादा मेरा बैग जो था वो नीचे रखा था जहाँ पे कैरी बैग होता है। अभी रेस्टोरेंट आया था वहाँ पर जब बस रुकी तब मैंने बैग निकाला तब ये खा रहा। तो अभी बज चुके हैं 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। सो एक होटल आया है, अभी निकलते हैं बाहर देखते हैं, चलते हैं बाहर।
देखते हैं बाहर का क्या मौसम है। ये है बाहर का मौसम और ये है बस। तो दोस्तों 10 बज रहे हैं और चारों तरफ आपको बस दिखेगी और ठंडी हवा चल रही है। चलते हैं और पढ़ते हैं नमाज इशा की, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो मैं रखूँगा दमाम से मक्का तक की, और मक्का से आगे की जर्नी नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इसको इतना ही रखेंगे, और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं मक्के से आगे की वीडियो बनाऊंगा, या ये वीडियो दमाम से मक्के तक की है सिर्फ। तो भाई देखो ये इस तरह की बसें होती हैं यहाँ की, क्या शानदार बसें बनाती हैं। नीचे सामान रखने का है, ऊपर अपना बैठने का है, और ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है और रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर सारी चीज़। चलो चलते हैं अंदर और लेते हैं चाय, देखते हैं चाय मिलेगी या नहीं। फिश है, कम फ्लूस है, हाँ भाई 3 रियाल की चाय, 1 रियाल की चाय मिलती है, 3 रियाल की चाय है। सारे इंडिया में भी यही हाल था जहाँ पर पेट्रोल पंप होते हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पे भी यही हाल है 3 गुना। तो 3 बजे के समथिंग निकले थे हम वहाँ से जहाँ मेरी सिटी है, और 10 बज चुके हैं रात के, और अभी जो है बहुत लंबा सफ़र है हमारा। अभी तकरीबन सुबह 7 बजे तक पहुँचेंगे ना, 6-7 बजे तक, हाँ जी जी, तो 6-7 बजे तक हम पहुँचेंगे। मैम देख लो भाई 10:20 हुए हैं और 3 बजे निकले थे, और अभी हमें अब 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक पहुँचेंगे। तो देखते हैं कितना लंबा सफ़र रहता है, और बस हमारी पूछेंगे। और चाय वगैरह मैंने ले ली थी, इंडिया हो सऊदी अरब हो कहीं भी हो, सफ़र में अगर चाय ना हो तो क्या हो। 1:30 हो चुके हैं और मैं भी थोड़ा सो गया था, और यहाँ पर है रेस्टोरेंट तो यहीं पर खाना वगैरह खाएंगे, सहरी रखेंगे। तो ये है थोड़ा सा पेट्रोल पंप का सीन, गाड़ी वगैरह बस खड़ी इधर, और ये देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ पर क्या करना है। भाई गंदी वाली लूट मचा रखी है, गंदी वाली मतलब 25 रियाल का ये बॉक्स, 25 रियाल का एक रेस्टोरेंट पे, 25 रियाल का राइस और चिकन, चिकन फ्राई, और दूसरे पे मिला है 15 रियाल का, मतलब 25 रियाल का 550 रुपये के इंडियन करंसी के समथिंग, मतलब इतनी ज़्यादा भाई लूट मचा रखी है ना यहाँ पे लोगों ने, बहुत ज़्यादा। मैंने भी इसलिए ख़रीदा क्योंकि सहरी करनी है तो चाहिए भाई, और 2 बजने वाले हैं तो बाद में खाऊंगा, मैंने सिर्फ पैक करा लिया, और खाएंगे बाद में जब थोड़ा टाइम ले जाएगा। तो ये है बिरयानी, 3:55 पर ये बिरयानी खा रहा हूँ जो मैंने पैक कराई थी होटल से, पानी बिरयानी, और बस में ही सहरी कर रहा हूँ। सात बज चुके हैं अभी, कल चले थे 3 बजे और अभी 7 बज रहे हैं, कंटिन्यू सफ़र में है, और मेकात मस्जिद भी नहीं पहुँचे, 1 घंटा लगेगा मेकात मस्जिद पहुँचने में, और आगे का सफ़र भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो मस्जिद आने वाली है, और मस्जिद आने से पहले एक जगह रोकी बस, और यहाँ से मैंने ख़रीदा एहराम, बोल रहे कि मस्जिद की बराबर में अभी एहराम नहीं बिकता, अब चल के देखते हैं एहराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दुकान है, सो मस्जिद आ चुकी है, अब हमें जाना है अंदर,
सो फाइनली आ चुके हैं मस्जिद पर और बस इधर खड़ी है और एहराम मैंने खरीद लिया था। यहाँ की बसें आपको हर जितनी भी बसें होती है ना लोकल जो गवर्नमेंट बस हो या कैसी भी बस हो सब ऐसी मिलेगी आपको। वो सऊदी अरब की बस है, वो गवर्नमेंट बस है सेप्टको। सो फाइनली अभी चलते हैं अंदर। व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है ये मेरा व्लॉग और इससे आगे का जो व्लॉग रहेगा मेरा उम्रे का रहेगा, तो इस व्लॉग को रखते हैं इतना। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि अगला पार्ट में बनाऊंगा यहाँ से उम्रे का, मक्का का, मस्जिद अल हरम का, तो वो भी देखना। सो अल्लाह हाफिज़।